बड़ी खबर ड्रोन से जुड़ी हुई। ड्रोन इस पूरे वॉर में बहुत अहम फैक्टर बन चुके हैं और देखिए एक बड़ी ड्रोन टीम तैयार कर रहा है यूक्रेन इस वक्त। एक बड़ी खबर, 10,000 ड्रोन ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्रोन आर्मी प्रोजेक्ट पर तेजी से जुट गया है यूक्रेन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसकी जानकारी दी है, यानी एक ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा है यूक्रेन। और ये ड्रोन आर्मी क्या कर पाएगी, क्या ड्रोन आर्मी के हाथ में है, जल्दी से इस पर बात करते हैं। मैं जल्दी से पहले कर्नल साहब, आपको क्या लगता है कर्नल राठौर, ये ड्रोन आर्मी क्या बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है इस वॉर में? बिल्कुल गौरव, रशिया यूक्रेन वॉर में जो सबसे बड़ा फैक्टर बाहर निकल करके आया है वो है थर्ड डायमेंशन इन टैक्टिकल बैटलफील्ड एरिया। कंपनी प्लटून और बटालियन लेवल के अटैक्स में या टैंकों के बीच में ये ड्रोन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं जो आप सभी देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर उनकी वजह से उड़ नहीं पा रहे, टैंक उनकी वजह से चल नहीं पा रहे, आर्टिलरी पोजीशंस को वो तबाह कर रहे हैं। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन अब पूरे बैटल एरिया को ड्रोन से स्वार्म कर दे रहे हैं। इसको स्वार्म ऑफ ड्रोन कहते हैं, एकदम सैचुरेट करने वाली बात है। ऐसी बात नहीं है कि रशिया इस पे नहीं काम कर रहा, रशिया भी इसमें आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम आने वाले भविष्य में बैटलफील्ड्स में ड्रोन्स के नए नए इनोवेटिव तरीके देखेंगे। सर्विलांस वाले बात अभी चली गई, अभी बात है किस तरीके से ड्रोन से अटैक किए जाएं और एक्यूरेट अटैक किए जाएं। बिल्कुल, तो है यहाँ पर बड़े अटैक किए जाएं, एक्यूरेट अटैक किए जाएं, इसकी जरूरत दिखती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अंबेसडर मल्होत्रा, मुझे ये बताइए, क्या ये माने कि विक्ट्री डे परेड से पहले जिस तरह से क्रेमलिन पर ये अटैक हुआ है, अब ये ड्रोन आर्मी क्रीमिया पर अटैक, मॉस्को का कीव पर अटैक, क्या आपको लगता है कुछ बड़ा यहां पर दिख सकता है? देखिए, अगर आप रशियन लीडर्स की पुरानी स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो उनका ये कहना है कि कोई ऐसा ओकेशन या कोई ऐसी तारीख नहीं होती जिसको वो ध्यान में रख के अपना एक्शन लेते हैं। बहरहाल, बावजूद इसके, अगर वास्तव में ही 9 मई तक अगर कोई सब्सटेंटिव अचीवमेंट होती है रशिया की बैटलफील्ड में, तो जाहिर है इससे मनोबल भी बढ़ेगा, पब्लिक कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशिया का जो है फेवर में जाएगा। बट ये कहना कि रशिया का चाहना एक बात है और 9 मई तक उस चीज़ का हो जाना ये अलग बात है। होने को तो देखिए, ये जिस इलाके में ये वॉर चल रही है इस समय, ये कई महीने पहले ही रशिया के कंट्रोल में आ जाना चाहिए था। और यही बात है जो मुझे पजल कर रही है कि इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रशिया के अगेंस्ट हम देख रहे हैं और काफ़ी हद तक वो उसे रोक पा रहे हैं, क्योंकि जो उसका 4 जो उन्होंने हिस्सों को अपने में मिला भी लिया, अनेक्स भी कर लिया, रेफरेंडम भी करा लिए, वहाँ टेक्निकली वो रशिया की टेरिटरी भी बन गए हैं, लेकिन फिजिकल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर। तो काफ़ी हद तक यूक्रेन को नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन किसी भी तारीख को आपने देखिए, पूरा पिछले 1.5 साल का इतिहास निकाल के देख लीजिए, बहुत बार ये बात हुई थी कि इस तारीख को रशिया ये करेगा या इस तारीख को यूक्रेन ये करेगा, बट वो तारीखों का अपना महत्व होता है। और 9 मई से पहले कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए तो उसमें अब कोई ऐसा शक व शुबा वाली बात नहीं है। 9 मई की बहुत इंपॉर्टेंस है, मनीष ने भी बताया आपको कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री।